हेल्दी और हाई प्रोटीन रिच ये चिल्ला जितना टेस्टी है ना उतना ही इसे बनाना भी आसान है। ये चिल्ला आप विद इन 10 मिनट बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसे आप डिनर में, ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। और ये हाई प्रोटीन रिच होने की वजह से आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो स्वागत है आप सभी का हेल्दी बावर्ची में, जहाँ आपको मिलेगी स्वाद के साथ सेहत फ्री। चिल्ला को हाई प्रोटीन रिच बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सोया चंक्स का, क्योंकि सोया चंक्स जो है ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। 100 ग्राम सोया चंक्स में से भी आपको करीब 52 ग्राम जितना प्रोटीन मिल जाता है। तो आपको सोया चंक्स का पाउडर रेडी कर लेना है। अब एक बाउल ले लेंगे और इसके ऊपर छन्नी रख के सोया चंक्स का पाउडर और बेसन, इन दोनों को ही हमें छान लेना है। हम यहाँ पर जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वैसे तो बेसन में भी प्रोटीन होता है, लेकिन जब आप इसमें सोया चंक्स का पाउडर ऐड करेंगे तो इससे प्रोटीन की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और चिल्ला जो है वो भी सॉफ्ट बनेगा। तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को छान लिया है। अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। और लास्ट में इसे विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, तो स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसमें आधे टीस्पून जितना हींग ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जितनी अजवाइन ली है जिसको हाथों से हम इसे घिस कर इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से आ जाएगा। और थोड़ा सा इसमें फ्रेश ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, करीब 1 टीस्पून जितना। अब इसमें कुछ सब्जियों को भी ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कटा हुआ प्याज ऐड किया है, 1 इंच जितने अदरक के टुकड़े की पेस्ट बना लीजिए। 1 हरी मिर्च को बारीक काट के इसमें ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितनी हरी मेथी। इसको पहले से ही धो के साफ कर लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए 1 से 2 टेबलस्पून जितना हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और बैटर अगर थोड़ा सा भी ठीक लगता है तो इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए हमारा बैटर बनकर रेडी है। तो कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी वाला बैटर आपको रेडी करना है। तो मैंने इस बैटर को बनाने के लिए पूरा 1 कप भर के पानी ऐड किया है इसमें। अब एक तवा गर्म कर लेंगे और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। वैसे तो ये जो चिल्ला है इसे आप आयरन तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कम से कम ऑयल में बनाना चाहते हैं तब आपको इसके लिए नॉनस्टिक तवा यूज़ करना है। और जैसे ही आपका तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके ऊपर बैटर को फैला दीजिए। और आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर काफ़ी पतला है, तो जैसे ही मैंने तवे के ऊपर डाला तो ये अपने आप ही फैल चुका है। तो इसी तरीके का बैटर आपको रेडी करना है और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक होने देना है। जैसे इसका कलर चेंज हो जाए तो ऊपर से थोड़ा और ऑयल लगा दीजिए और इसे पलट लीजिए। ये जो चिल्ला है ना, इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस दोनों साइड आपको एक एक बार ही ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर दोनों साइड उलट पुलट करते हुए हम अच्छे से इसे कुक कर लेंगे। आपने यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि इस चिल्ला को बनाने के लिए हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ना, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम मेथी के पकोड़े बनाते वक्त उसमें यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ की है। तो जब भी आपको पकोड़े खाने का मन करे ना, तब भी आप इस चिल्ला को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये जल्दी से बन भी जाता है और इसमें बहुत ही कम ऑयल का यूज़ होता है। तो ऐसे ये आपको हेल्थ के लिए भी सही है, और अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तब तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए और इसे आप गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं। तो दोनों ही साइड से हमने इस चिल्ला को बहुत अच्छे से कुक कर लिया है और ठीक इसी तरीके से आपको बाकी सारे जो चिल्ले हैं उसको भी बना लेना है। तो हमने जो बैटर रेडी किया था उसमें से करीब 4 चिल्ला बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। वैसे तो ये चिल्ला आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसे दही और ग्रीन चटनी के साथ लेती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट इसके साथ बहुत ही अच्छा आता है। तो हम इसके साथ यहाँ पर दही और ग्रीन चटनी सर्व करेंगे। और ये काफ़ी सॉफ्ट भी बना है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास खाना बनाने के लिए टाइम ना हो, झटपट से कुछ बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, टेस्टी बनाना चाहते हैं ना, तब आप इस चिल्ला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं। और ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।